हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक नए धमाकेदार वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको आंखों के व्यभिचार से बचना है तो वीडियो को देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों के पास शेयर जरूर कर दें। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है आंखों के व्यभिचार से कैसे बचें। अक्सर होता है यह कि जवान मसीह आंखों से व्यभिचार कर देते हैं। देखिए, अगर आप कहीं बाजार जा रहे हैं, ट्रेन में या सफर कर रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, कोई लड़की या स्त्री जा रही है या बैठी है, तो आप उसे आंखों से देखते हो तो पाप कर देते हो। उसकी अभिलाषा अपने मन में उत्पन्न करते हो। उसके गुप्त अंगों पर नजर जाएगी। उसके बारे में अपने मन में कुछ गलत सोचोगे तो उससे वे विचार कर चुके। यीशु ने अपने वचन में साफ कहा है वे विचार नहीं करने का, तो हमें वे विचार नहीं करना है। ठीक है ना भाइयों और बहनों? देखिए, परमेश्वर ने ऐसा कुछ भी नहीं रचा था जो पाप से भरा हुआ हो। परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा ही अच्छा बनाया था। बचा लो अपने आप को उस नरक की आग से। जीजस वार्निंग, व्यभिचार एक मीठा जहर। मेरे प्रिय जन, यूसुफ एक जवान पुरुष था। उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ से कहा था, मेरे साथ सो, परंतु यूसुफ ने मना किया था क्योंकि वह परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर से डरता था। मगर आज के इस समय में जवान मसीह भाई बहन अपनी जवानी को भ्रष्ट कर रहे हैं और व्यभिचार जैसे महापाप को बड़े मजे से कर रहे हैं, जिसकी सजा नरक में मृत्यु है। दर्दनाक सजा है, बहुत भयानक मृत्यु है। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह के जन्म से पहले व्यभिचार करने वालों को पत्थर करके मार पीट कर उसको मार दिया जाता था? मगर आज मसीह पाप करने से जरा भी हिचकिचाते नहीं हैं और बड़े आराम से पाप कर देते हैं। थोड़ा सा मजा, थोड़ा सा शारीरिक मजा लेने के चक्कर में वो यह भूल जाते हैं कि परमेश्वर मुझे क्या क्या सजा देगा। आज बहुत से मसीही भाई बहन व्यभिचार करने का मौका ढूंढते हैं। वो इंतजार करते हैं अपने परिवार के बाहर जाने का और अकेले घर पर रहने का, ताकि अपने प्रेमी या प्रेमिका को घर में बुलवा कर उसके साथ व्यभिचार करें। परमेश्वर का वचन साफ बता रहा है, सभोपदेशक में लिखा हुआ 11 अध्याय के 9 वचन में, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। व्यभिचार शरीर के द्वारा हो या मन के द्वारा, दोनों की एक ही सजा है और वो है नरक में अनंत काल की। इसलिए मन फिरा लो और नाश होने से बच जाओ। यूसुफ के समान परमेश्वर का भय मानो और बचा लो अपने आप को नरक जाने से। मरकुस 9 अध्याय के 43 वचन में लिखा हुआ है, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर अपने पास से फेंक दे। डुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ रहते हुए नरक के बीच में उस आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता है और न आग बुझती है। और जब तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो पांव रहते हुए नरक में डाला जाए। और यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आँख रहते हुए तुम नरक में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता है और आग नहीं बुझती है, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्ते से नमकीन किया जाएगा? तो उसे किस से अधिष्ट करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप कर लो। परमेश्वर का वचन एक जैसा है सबके लिए, चाहे वह मसीह पर विश्वास करता हो चाहे वह अन्य जाति है। वचन एक सा है और एक सभी के लिए एक जैसा है। गलातियों 5 अध्याय के 19 वचन में लिखा हुआ है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोड़ना, बैर, झगड़ा, इसरा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ कि जैसा पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। पौलुस यहाँ अपने पत्र में साफ कह रहा है कि ऐसे ऐसे घिनौने काम करने वाले मनुष्य परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे, उसी नरक की झील में डाले जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के 8 वचन में लिखा हुआ है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्त पुंजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, या दूसरी मृत्यु है। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे, नए यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। सुधर जाओ मेरे मसीह भाइयों और बहनों, बचा लो अपने आप को अंदर के जाने से उस अनंत काल की आग से। संचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इसी खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। वह शैतान ढूंढता रहता है कि किसको फाड़ खाएं। शैतान ने जब पाप किया तब परमेश्वर ने शैतान को नीचे फेंक दिया था,
और आज वही सारी शैतानी दुष्टात्माएं हर मनुष्य को ढूंढती हैं कि किसको फाड़ खाएं। देखिए परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा ही अच्छा बनाया था। परमेश्वर ने ऐसा कुछ भी नहीं रचा था जो पाप से भरा हो। जब शैतान जो इबलीस लूसीफर था और उसने परमेश्वर के विरुद्ध बलुआ किया था, तब परमेश्वर ने शैतान को नीचे गिरा दिया था क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन लेना चाहता था, तो परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से बाहर पृथ्वी पर फेंक दिया था। देखिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन गिरे हुए स्वर्गदूत दुष्टात्माओं के नाम से जाना जाता है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के 9 वचन में लिखा हुआ है, और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला शैतान पृथ्वी पर गिरा दिया गया है। देखिए परमेश्वर ने शैतान को स्वर्ग से नीचे गिरा दिया था। उसके पाप के कारण हम जानते हैं कि नरक इबलीस और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया था, मगर मनुष्य आज पाप कर रहा है तो परमेश्वर उसमें क्या करे। शैतान का न्याय तो परमेश्वर ने पहले ही से कर दिया था। शैतान तो उस नरक में जाएगा और साथ में तुमको भी ले जाएगा। वह अकेले उसमें जाना नहीं चाहता है, इसलिए यीशु ने कहा था, अवसर को बहुमूल्य समझो, अभी आपके पास समय है क्योंकि अंत का दिन चल रहा है। मन फिरा लो, बहुत बुरा हाल करेगा परमेश्वर। जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिलेगा वह आग की झील में डाला जाएगा। अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा नज़र आ रहा है। जब परमेश्वर अंतिम न्याय करेगा और जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न होगा, तो स्वर्गदूत घसीट कर खींचतान कर स्वर्गदूत नर्क में फेंक देंगे। तब आपको पता चल जाएगा कि लड़कियों को कैसे पटाया जाता है और शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना क्या होता है। यीशु ने यहाँ साफ साफ कहा था कि आग कभी नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे। तो क्या हाल होगा उस व्यक्ति का जो व्यक्ति नर्क में जाए, क्योंकि जब शैतान ने पाप किया तो परमेश्वर ने उसे और उसकी सारी सेना को नीचे पृथ्वी पर गिरा दिया था, और वही सारी शैतानी दुष्टात्माएं हर मसीह को पाप में गिराने के लिए जाती हैं, और वह मसीही बड़े आराम से पाप कर देता है। इसलिए पौलुस ने यह साफ कहा था, मेरे प्रियो परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, शैतान को वचन से हरा सको। जब आप वचन पढ़ोगे नहीं, प्रार्थना करोगे नहीं, तो तुम शैतान को कैसे हरा पाओगे। शैतान तुम्हें वेद कर चला जाएगा। अंत का दिन चल रहा है, बचा लो अपने आप को नरक जाने से, क्योंकि यीशु का कहर भड़कने वाला है। इतना भयानक दंड देगा परमेश्वर, इतनी कड़ी सजा देगा, वो भी अनंत काल की। यीशु ने अपने वचन में साफ साफ लिखवा गए हैं कि आग कभी नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे। जब आग कभी नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे, तो क्या हाल होगा उस व्यक्ति का जो व्यक्ति नर्क में जाएगा। आपने धनवान और लाजर के बारे में तो सुना ही होगा कि धनवान अभी भी एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा है। आपकी जीव एक बूंद पानी के लिए ऐठेगी, इतना हाहाकार मचा होगा। इसलिए यीशु जल्दी नहीं आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर यह नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नर्क जाए। सबको मन फिराने का अवसर दिया जाए। मत्ती की पुस्तक 25 अध्याय के 41 वचन में लिखा हुआ है, तब वह यानी परमेश्वर जब अंतिम न्याय करेगा, तब परमेश्वर बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शरापित लोगों, मेरी आंखों के सामने से उस अनंत काल की आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। जब परमेश्वर अंतिम न्याय करेगा, तब परमेश्वर कहेगा, हे कुकर्मियों पापियों, मेरी आंखों के सामने से उस अनंत काल की आग में चले जाओ जहाँ की आग कभी नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे। इतनी भयानक सजा, इतना हाहाकार मचा होगा। उस समय कीड़े काटेंगे, आग जलाएगी, जो व्यक्ति उसमें डाला जाएगा उसका क्या हाल होगा। इसलिए यीशु ने कहा था, जो अपने पापों के ऊपर विजय पाएगा उसे जीवन का मुकुट दिया जाएगा। इसलिए यीशु ने अपने वचन में कहा था अपने चेलों से, तुम सावधान रहना कि कोई तुमको कोई भरमाने ना पाए, कोई शैतान तुम्हें भरमाने ना पाए, पाप में गिराने ना पाए। इनसे सावधान रहना और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेना। देखिए शैतान तो नर्क में जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने जब शैतान को स्वर्ग से नीचे गिराया था तो परमेश्वर ने उसका न्याय पहले ही से कर दिया था। आशा करता हूँ छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।